नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर गगनदीप शर्मा, एमडी आयुर्वेद, अमृत आयुर्वेद हॉस्पिटल नाभा, जिला पटियाला से। आज हम बात करेंगे आंवले की। आयुर्वेद में आंवला एक महत्वपूर्ण फल है और जब हम आयुर्वेद पढ़ते हैं तो हमारी जो मुख्य ग्रंथ है चरक संहिता, जब उसमें चिकित्सा का वर्णन शुरू होता है तो पहले अध्याय में ही रसायन के नाम पर जो है आंवले का उसका वर्णन मिलता है। आयुर्वेद के अनुसार आंवला त्रिदोषामक है, अर्थात वात पित्त कफ तीनों का शमन करता है, लेकिन तीनों दोषों में प्रमुख रूप से यह पित्त का शमन करता है। आयुर्वेद में आंवले को जो पांच रस बताए गए हैं, पांच रसों से युक्त कहा है। सिर्फ लवण रस को छोड़ करके बाकी आंवले में सभी रस होते हैं। आंवला एक बहुत अच्छा रसायन है। रसायन क्या होता है? रसायन जो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को इंक्रीज करता है, जो शरीर प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, जो एज ए एंटीऑक्सीडेंट काम करता है, जो हमारी एज ए एंटी एजिंग काम करता है और हमारे शरीर की सभी धातुओं का पोषण करता है, उसको रसायन कहा गया है। तो आंवला एक बहुत अच्छा रसायन है। आंवला हमारे शरीर की जठराग्नि को सही करते हुए डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन और असिमिलेशन इसको सही करता है, जिसके कारण इसका कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में बहुत अच्छा रोल है, इसका शुगर को कंट्रोल करने में बहुत अच्छा रोल है और इसी के साथ साथ जो आंवला है यह मोटापे को भी कंट्रोल करता है। आंवला हमारी जठराग्नि को प्रदीप्त करता है, भूख को बढ़ाता है, हमारे हजम करने की क्षमता को सही करता है। आंवले में जख्म को, अल्सर को हील करने की क्षमता है। आंवले की एज ए एंटी कैंसर प्रॉपर्टी भी है। इसी के साथ साथ आंवला हमारे बालों के लिए, बालों का सफ़ेद होना, जल्दी सफ़ेद होना, बालों का झड़ना, उसके लिए जो है आंवले का बहुत बहुत महत्वपूर्ण है उसमें आंवला। इसी के साथ साथ आंवला हमारे आंखों के लिए अच्छा है और आंवले में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, इसलिए आंवला कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन में और आयरन की एब्जॉर्प्शन में भी लाभदायक है। और इसी के साथ साथ जो आंवला है, आंवला शीत वीर्य है, तकसीर में ठंडा होता है, इसलिए पेशाब को खुल के लेके आना या खून को साफ करना या पेट में जलन या कब्ज, उसमें भी आंवला का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। अब बात आती है कि आंवला हमारे घर में तो उपलब्ध है, इसका इस्तेमाल कैसे करें? हम च्यवनप्राश के रूप में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारे घरों में आंवले का मुरब्बा, आंवले का अचार, आंवले की चटनी ये प्रयोग में लाई जाती है। कई बार कुछ लोग कहते हैं या कुछ रोगी कहते हैं कि आंवला खट्टा होने करके हमारे गले में दर्द करता है या गले में दिक्कत करता है, तो उनके लिए आंवले का जो इस्तेमाल करके हम आपको तरीका बताते हैं। ये आप देख रहे हैं कि आंवले हैं, ये आंवले को हमने हल्का बॉयल कर लिया है, 2 से 3 मिनट इनको बॉयल करना है। उसके बाद आंवले को आपने इस तरीके से सलाद के साथ आप आंवले का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए आराम से आंवले की जो पंखुड़ियाँ निकल रही हैं, तो इस तरीके से हम आंवले का सलाद के रूप में जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मेरा सभी दर्शकों से निवेदन है कि आंवले का लगातार सेवन करें और अपनी शरीर प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखें और मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि समय समय पर आपको ऐसी जानकारियाँ मिलती रहें। धन्यवाद।